जमाना चाहे नई चीजों का हो या नई बातों का, पर जनाब पुराने समय की बात हमेशा मजेदार होती है। समय बीतता है पर यादें रह जाती हैं। यादों के मेले का सफर करते हुए कुछ नाम छूट जाते हैं। उन नाम के साथ याद आ जाते हैं उनसे जुड़े किस्से और कहानियां। पुराने जमाने की बेहतरीन कलाकारी में एक नाम ऐसा भी है जिसने अपने जीवन में 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। हैरत अंगेज वाली बात यह भी है कि वो भारत के पहले ओलंपिक साइक्लिस्ट भी थे। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े थे। कुछ लोग समझ गए होंगे कि आज की कहानी मशहूर अभिनेता जानकी दास पर है। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। टोटल करके देखो, 20 रुपया हो ही नहीं सकता। टोटल रॉन्ग हो ही नहीं सकता, मशीन से करता है। अरे तुम्हारी मशीन गलती कर सकती है, मेरी आंखें और मेरा भेजा कभी गलती नहीं कर सकते। दिन भर हजारों का लेन देन करता हूँ, मुझे एक पैसे का हेर फेर हो जाए। टोटल करो 19 रुपए 12 आने को नहीं आएगा। 4 आने का सवाल है, फुकर में मिलता है क्या? 4 आने कमाने के लिए 8 आने का झूठ बोलना पड़ता है, समझे? बूंद बूंद से समुद्र बनता है। जानकी दास की जानकारी इकट्ठा करने के हमारे प्रयास को एक लाइक तो बनता है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जानकी दास 19वीं सदी के पहले दशक के इंसान थे, इस कारण से उनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलना मुश्किल है। पर कहा जाता है कि उनका पूरा नाम जानकी दास मेहरा था। अविभाजित भारत के लाहौर में 1910 को इनका जन्म हुआ था। जिस दौर में भारत बुनियादी जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, उस जमाने में इन्हें साइकिलिंग का शौक चढ़ गया था। बेशक खिलाड़ी बनने के लिए मेहनत के साथ धन की भी जरूरत पड़ती है। देश विदेश के रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक में अपना नाम रोशन करने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। पर अभिनय क्षेत्र में जाने की तैयारी अगले 30 साल के बाद हुई। पर फिल्मों में आने से पहले उनका नाता खेल से रहा। इस कारण से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जानकी दास खानदानी अमीर थे। शुरू शुरू में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। ब्रिटिश सरकार उनसे बहुत खुश थी, इस कारण से उन्हें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भेजा जाने लगा। इसके बाद 1936 के साल में जर्मनी में हुआ ओलंपिक खेल में जानकी दास ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दिए। इस ओलंपिक खेल में पहले पायदान पर पहुंचने के बाद उन्होंने तिरंगा लहराया। ये देख अधिकारियों ने उन्हें मेडल देने से इनकार कर दिया। तिरंगा लहराने के पीछे महात्मा गांधी थे, क्योंकि एक दिन महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि आप ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करना छोड़ दो। इस बात को जानकी दास ने मान ली और 1946 के साल में उन्होंने साइकिलिंग फेडरेशन की स्थापना की, जिसमें वो अन्य खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते थे। अपने करियर में जानकी दास ने लगभग 8 विश्व विक्रम बनाए। ये क्रम 1942 तक चलता रहा और इसके बाद उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया। गोपाल मराठे? यस सर। अनूप शर्मा? यस सर। शोभा जावन? यस सर। श्री कुमटेकर? यस सर। श्री कुमटेकर? यस सर। फीस लाए? नो सर। फीस कुमटेकर? यस सर। फीस लाए? नो सर। जब पुकारता हूँ हाजिरी तो कहते हो यस सर यस सर, और जब मांगता हूँ फीस तो कहते हो नो सर नो सर। जानकी दास का बचपन और जवानी लाहौर में बीता था और यही उन्हें अपने जीवन की पहली फिल्म खजांची मिली। पंचोली पिक्चर्स के अंतर्गत बनी खजांची दलसुख पंचोली की पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड को बेहतरीन कलाकार दिए, जिसमें मनोरमा के साथ खुद जानकी दास भी थे। जानकी दास उस वक्त 32 साल के थे, पर उन्हें बूढ़े व्यक्ति का किरदार मिला था, जिसे उन्होंने बेहतरीन अंदाज में निभाया।
पहले फिल्म के बाद उन्होंने 4-5 साल का ब्रेक लिया और इस कालखंड में उन्होंने साइकिलिंग फेडरेशन की स्थापना की थी। आजादी के बाद उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और अपने जीवन की तीसरी पारी खेली। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन डिजाइनर का काम शुरू किया, इसीलिए उन्हें भारत फिल्म जगत का पहला प्रोडक्शन डिजाइनर कहा जाता है। बतौर डिजाइनर और एक्टर उन्होंने 1947 की सुपरहिट फिल्म डॉक्टर की अमर कहानी में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने युद्ध भूमि के सेट्स बनाए थे। 1947 के बाद हुआ उनका फिल्मी सफर कभी रुका नहीं। ऐसे बहुत सारी फिल्में आई जिसमें जानकी दास ने बड़े छोटे किरदार निभाए थे। उन्होंने निभाए हुए किरदार को देखकर दर्शकों को पता नहीं चलता था कि इसके पीछे जानकी दास है। बहुत सारे फिल्मों में तो उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया गया, पर इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं था। 1000 फिल्मों में काम करने वाले जानकी दास ज्यादातर नेगेटिव किरदार में दिखते थे, पर धीरे धीरे उन्हें हर प्रकार के किरदार मिलने लगे। इसके बाद उन्हें लिखने का शौक भी चढ़ गया। मिथुन चक्रवर्ती की यादों की कसम फिल्म की कहानी जानकी दास ने ही लिखी थी। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी जिसका नाम माई एडवेंचर्स इन फिल्म लैंड और एक्टिंग फॉर बिगिनर्स है। जानकी दास के बारे में एक बात कही जाती है कि सोहराब मोदी की फिल्म दौलत में मधुबाला को जानकी दास के कारण रोल मिला। इसी तरह मीना कुमारी को भी नाना भाई भट्ट की फिल्म हमारा घर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम मिला। यही नहीं, माला सिन्हा का करियर बनाने के पीछे भी जानकी दास का बड़ा हाथ था। 1982 की सुनील दत्त की फिल्म दर्द का रिश्ता में अभिनेत्री खुशबू को उनके कारण ही रोल मिला था। जानकी दास ने निभाए हुए किरदार की बात की जाए तो ऋषि कपूर की खेल खेल में इस फिल्म में सेठ धनश्याम का किरदार भी चर्चित रहा था। इसके बाद करिश्मा कुदरत का फिल्म में सेठ जानकी लाल का किरदार में भी वो दिखते हैं। द बर्निंग ट्रेन में टिकट कलेक्टर की भूमिका में भी जानकी दास नजर आते हैं। 1954 की मयूर पंख, 1965 की तीसरा कौन और 1972 की विक्टोरिया नंबर 203 ये फिल्में भी प्रसिद्ध रहीं। अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के लिए जानकी दास को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। 1996 में उन्हें इम्पा की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। अपने जीवन के 90 साल गुजारने के बाद भी वो अभिनय से जुड़े रहे। साल 2000 में रिलीज हुई औरत मांगे इंसाफ उनकी आखिरी फिल्म थी। दिल की बीमारी होने के कारण 18 जून 2003 को 93 साल के उम्र में मुंबई में उनका देहांत हुआ। उनके 2 बेटे शानू मेहरा और बब्बू भी फिल्म जगत से जुड़े हैं। आज के समय जानकी दास ये नाम शायद ही किसी को पता हो, पर फिल्म जगत और क्रीड़ा जगत में उनका योगदान बहुमूल्य है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।